नमस्ते, मैं ऑरेंज मल्टी वेंचर्स बेलापुर नवी मुंबई से संदीप सिन्हा बोल रहा हूँ। ये हमारे पास प्लानिटरी मिक्सर का रेंज है। प्लानिटरी मिक्सर मीठे के काम के लिए, सॉफ्ट डव के लिए यूज़ करते हैं, जो बेकरी इंडस्ट्री में सबसे कॉमन मशीन है। और ये मशीन ऐसा है कि आपको हर रिजल्ट, जैसे आपको कुकीज़ बनाना हो, बिस्किट्स बनाना हो, मफिन्स बनाना हो, बार केक बनाना हो, स्लाइस केक बनाना हो, फ्रेश क्रीम हो, स्पॉन्ज हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मिनिमम कैपेसिटी ये 7 लीटर से स्टार्ट होता है। 7 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, ये ऑप्शंस में हमारे पास सिंगल फेज के मशीन्स अवेलेबल रहते हैं। 40 लीटर में दो ऑप्शन होते हैं, सिंगल फेज एंड थ्री फेज, और 40 लीटर से ऊपर अपना थ्री फेज मशीन रहता है। हैवी ड्यूटी मशीन है, परफॉर्मेंस रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बेसिकली इसको हम लोग सॉफ्ट डब मिक्सर भी बोलते हैं, प्लानिटरी मिक्सर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल मिक्सर भी बोलते हैं, स्पॉन्ज मिक्सर भी बोलते हैं, प्रेसरी मिक्सर भी बोलते हैं। इस मशीन में हम अभी रनिंग ऑपरेशंस देखेंगे कि कैसे ये बेकरी वालों के लिए फायदेमंद है। और ये हर इंडस्ट्री में, मतलब आजकल लोग इसको श्रीखंड के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, आइसक्रीम में भी यूज़ करते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जाता है, बहुत लोग फार्मा में भी इस मशीन को यूज़ करते हैं। और क्योंकि रीज़न क्या है इसके पीछे कि इसमें हम लोगों ने 3 स्पीड दिए हुए हैं। 3 स्पीड देने का फायदा ये होता है कि जैसा कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट हो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से वो आरपीएम को उसमें मैनेज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्पीड में कम आरपीएम रहेगा, सेकंड स्पीड में ज़्यादा आरपीएम रहेगा, थर्ड स्पीड में थोड़ा उससे ज़्यादा आरपीएम रहेगा। अभी ये प्लानिटरी मिक्सर का जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये 20 लीटर कैपेसिटी है। इसमें सेफ्टी गार्ड्स का हम लोगों ने पैरामीटर दिया हुआ है। ये बाउल जो है वो स्पिनिंग टेक्नोलॉजी का बाउल है। स्पिनिंग टेक्नोलॉजी के बाउल का बेनिफिट ये मिलता है कि बीच में कहीं पैचेज या जोड़ नहीं मिलते हैं। और ऑरेंज ब्रांड मशीनरी का ये स्पेशलाइजेशन है कि हमारा इसमें टूल और बाउल के बीच में गैप बहुत कम होता है, मतलब एक उंगली भी नहीं जा पाता है, जिसके कारण इसमें एरिएशन, जो प्रोडक्ट का फुलाव आता है, बहुत अच्छा आता है। प्रोडक्ट का मिक्सिंग बहुत अच्छा आएगा और प्रोडक्ट के अंदर शाइनिंग आएगा। अभी ये अटैचमेंट जो रहता है, जिसको हम लोग हुक बोलते हैं अपनी बेकरी इंडस्ट्री में, ये हार्ड डो के लिए, स्पेशली प्लानिटरी मिक्सर सॉफ्ट डो मीठे के काम के लिए होता है। लेकिन कोई न्यू सेटअप है जिनके पास, वो स्पायरल मिक्सर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। स्पायरल मिक्सर स्पेशली होता है हार्ड डो के लिए, जैसे ब्रेड, टोस्ट, खारी पाव, पिज्ज़ा, पफ, पैटीज, रोटी, उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये है हमारे पास ऑप्शंस प्लानिटरी मिक्सर्स का। तो अगर थोड़ा हमको हार्ड डो का काम करना है तो ये टूल लगाएंगे और इसको 1 स्पीड पर हम केवल चलाते हैं। जब हमारे पास हुक का अटैचमेंट लगा हुआ रहेगा तब केवल और केवल हम इसको 1 स्पीड पर चलाएंगे। उसके बाद प्लानिटरी मिक्सर, ये अटैचमेंट्स को हम लोग फ्लैट मीटर बोलते हैं, ये अटैचमेंट हमेशा 1 और 2 स्पीड पर रहता है। ये फर्स्ट स्पीड है, इस अटैचमेंट को हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्पीड पर चलाते हैं। ये कुकीज़ के लिए, बिस्किट्स के लिए सुटेबल रहता है। और इसको जब भी हमको स्पीड चेंज करना है, हमेशा बंद करके चेंज करते हैं। ये फर्स्ट स्पीड हो गया और उसके बाद ये सेकंड स्पीड, इसमें आरपीएम थोड़ा बढ़ जाएगा। मिक्सिंग का क्वालिटी जो आएगा, जो प्रोडक्ट का टेक्सचर आएगा, जो प्रोडक्ट के अंदर शाइनिंग आएगा, वो कुकीज़ का, बिस्किट्स का बहुत अच्छा फाइन टेक्सचर आता है। तो इसमें हल्का होकर के प्रोडक्ट में शाइनिंग आता है। जब भी मशीन को हमको बंद करना हो या स्पीड चेंज करना हो, हमेशा बंद करेंगे, स्पीड चेंज करेंगे, फिर केवल और केवल इसको 1 और 2 स्पीड पर चलाते हैं। ये हुक रहेगा तो 1 स्पीड, केवल 1 स्पीड पर, सिंगल स्पीड पर चलाएंगे। ये अटैचमेंट लगाएंगे तो 1 और 2 स्पीड पर चलाएंगे, 1, 2 और 3 स्पीड पर चला सकते हैं। इसको हम लोग विस्क बोलते हैं। विस्क हमारा मफिन्स हो गया, बार केक हो गया, स्लाइस केक हो गया, स्पॉन्ज हो गया, क्रीम हो गया, बटर क्रीम हो गया, फ्रेश क्रीम हो गया, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें जब भी स्पीड, इसमें 3 स्पीड्स रहते हैं। प्लानिटरी मिक्सर जितने भी हैं, 7 लीटर से लेकर के 60 लीटर, 80 लीटर, सब में 3 स्पीड्स रहते हैं। हर मशीन में जब भी स्पीड हमको चेंज करना है तो हमेशा स्पीड बंद करके चेंज करते हैं, 1, 2 और 3। अभी ये फर्स्ट स्पीड पर है, अभी हम इसको बंद करेंगे और उसके बाद इसको सेकेंड स्पीड पर लेंगे। उसके बाद हम इसको बंद करेंगे, फिर इसको हम थर्ड स्पीड पर लेंगे। थर्ड स्पीड में आरपीएम मैक्सिमम मिलता है, जिसके कारण हमारा इसमें पर्टिकुलर जो क्रीम हम डाल रहे हैं, अगर हम क्रीम के हिसाब से देख रहे हैं तो इसमें बाउल पूरा वो भर जाता है। क्योंकि टूल और बाउल के बीच में हम गैप देखते हैं तो बहुत कम, मतलब एक उंगली भी ना जाए वैसा हमारा गैप रहता है। तो उसके कारण प्रोडक्ट में एरिएशन बहुत अच्छा आता है। अभी प्लानिटरी मिक्सर, जो ऑरेंज ब्रांड का प्लानिटरी मिक्सर है,
वो यूज करने के लिए कितना इजी है, कस्टमर्स के लिए कितना ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें बाउल लॉकिंग का भी हम लोगों ने सिस्टम दिया हुआ है। इससे कभी आपको ये रहता है कि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स या कुछ भी आइटम्स आपका बाहर से मशीन के बाउल में ना जा सके, इसके लिए हम लोगों ने सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है। सेफ्टी गार्ड आपके ऊपर है, ये आपको यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये इजी टू यूज है। ये अटैचमेंट जो रहता है ये हमारा फ्लैट बीटर इसको बोलते हैं, और ये अटैचमेंट कुकीज के लिए, बिस्किट्स के लिए सुटेबल होता है। और ये अटैचमेंट जो रहता है इसको हुक बोलते हैं, या जे हुक भी बोलते हैं, या स्पाइरल हुक भी बोलते हैं, जो हमारा हॉट डॉग जैसे ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, कारी हो गया, पाव हो गया, पिज्जा हो गया, उसके लिए सुटेबल होता है। लेकिन प्लानिटरी मिक्सर हमेशा याद रखना है कि मीठे के काम के लिए यूज करते हैं। अगर कोई न्यू सेटअप है, अगर कोई नया बेकरी है जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो प्लानिटरी मिक्सर में दिन का कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम 6 to 8 kg और 10 kg तक का प्रोडक्शन हॉट डॉग का निकाल सकते हैं। केक का काम करना है, कुकीज का काम करना है, बिस्किट्स का करना है, मफिन्स का करना है, बार केक का करना है, उसको कंटिन्यू प्रोडक्शन 8 to 10 hours का हम लोग सजेस्टेबल टाइम देते हैं कि आप उसको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ये इतना इजी है ऑपरेशन के लिए। हम लोगों ने यहाँ पर बाउल लॉकिंग का सिस्टम दिया हुआ है, मतलब टूल अगर हमको निकालना है, कोई अटैचमेंट चेंज करना है, तो हमने जस्ट इसको टर्न किया, ये बाउल को नीचे लिया, ये बाउल इजीली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको लगाना भी इतना ही इजी है। अभी ये अटैचमेंट निकल गया, अब इसके जगह हमको कोई दूसरा अटैचमेंट लगाना है, हुक लगाना है, हुक लगा सकते हैं, आपका फ्लैट मीटर लगाना है, फ्लैट मीटर लगा सकते हैं। अभी हमको जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके हिसाब से ये अटैचमेंट्स लगाएंगे। इसको हम लोग विस्क बोलते हैं, ये जे हुक रहता है, ये फ्लैट बीटर रहता है। अभी फ्रेश क्रीम के लिए, स्पॉन्ज के लिए हमको यूज करना है, तो इस टूल को हम पहले बाउल में रखेंगे, बाउल को लोड करेंगे। ये यहाँ पर इसके ये जो होल है, इसका ये जो नॉब है और ये यहाँ पर जो होल है, ये आपस में मैच करना चाहिए। उसके बाद ये बाउल लॉक हो गया, ये बाउल लॉकिंग कर देंगे हम। उसके बाद ये अटैचमेंट लगा देंगे। अब इस बाउल को हम ऊपर ले लेंगे, जिसके कारण टूल और बाउल का डिस्टेंस जो रहता है वो बहुत कम हो जाएगा। इसमें ऑरेंज ब्रांड की मशीनरी में फायदा ये मिलेगा कि इस टूल में पर्टिकुलर कितना गैप होना चाहिए और दो इसमें जाली के मेस के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, उसके पीछे हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम करता है। और उन्होंने ये कैलकुलेशन करके दिया हुआ है कि जितने कम, मतलब अगर हम क्रीम डाल रहे हैं तो उसमें एरिएशन बहुत अच्छा है, फुलाव बहुत अच्छा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैप बहुत कम रखते हैं। उसके बाद ये सेफ्टी गार्ड को हम लोग बंद कर देंगे और ये मशीन को ऑन कर देंगे। अभी ये हमारे थर्ड स्पीड पर चल रहा है। फ्रेश क्रीम के लिए हम 1, 2 और 3 स्पीड्स यूज कर सकते हैं। ये अटैचमेंट रहेगा अगर हमारा, तो केवल हम फर्स्ट और सेकेंड 2 स्पीड यूज करेंगे। इस अटैचमेंट के लिए केवल हम फर्स्ट और सेकेंड 2 स्पीड यूज करेंगे। और ये अटैचमेंट अगर हुक का लगाया हुआ है हमने, तो 3 केवल फर्स्ट स्पीड पर हम यूज करेंगे। हुक के लिए फर्स्ट स्पीड, इस अटैचमेंट्स के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड 2 स्पीड, और ये अटैचमेंट्स के लिए विक्स के लिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 स्पीड को हम लोग यूज कर सकते हैं। मशीन हैवी ड्यूटी है, तो किसी भी तरीके का कोई भी बेकरी इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट हो तो काइंडली कॉल 9619850666। इस नंबर पर आप फोन डायरेक्ट फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.orangemultiventures.in या स्क्रीन के ऊपर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।